तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि विश्व विश्व के सबसे संपन्न देशों का जो समूह है साथियों, G7। G7 आप लोग G7 के बारे में पढ़े होंगे साथियों। ये G7 क्या है, विश्व के जो सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। तो वही कह रहा है इनमें कौन सा शामिल नहीं है, ऐसा कौन सा देश है ये G7 में शामिल नहीं है। तो इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि G7 में कौन सा शामिल है। तो आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, अमेरिका, कितना हो गया, 4, 2, 6 हो गया, एक और है साथियों कनाडा, कनाडा है। तो यहाँ पर सात देश यही हैं। तो आपने वो देखा कि यहाँ पर दक्षिण कोरिया नहीं है, तो विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा, यही शामिल नहीं है G7 में। आगे देखें, आगे हम लोग देखें, ये भारत में G7 नहीं है, इसको भी याद रखिएगा, कंफ्यूज कभी ना होइएगा। आगे देखें हम लोग 47 में, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है साथियों। यह विश्व व्यापार संगठन है, उसमें ये टर्म आपको देखने को मिलते हैं विश्व व्यापार संगठन में। विकल्प नंबर ए आपको जो फ्री में राशन मिलता है, तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन आरोप लगाता है कि भारत जो है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन करता है। तो यानी एक लिमिट से ज्यादा जो है ये सब्सिडी देता है राशन के नाम पर जो है बांटता है। तो ये विकल्प नंबर ए आपका, ये ग्रीन बॉक्स, ये WTO से संबंधित है। WTO आप लोग जानते हैं, पूछा जाता है प्रश्न, बहुत फेमस प्रश्न होता है ये, कि WTO जो बनाया गया था साथियों यह 1995 में बनाया गया था। आगे देखें हम लोग, 47 हो गया हमारा, 48 देखते हैं क्या है हमारा 48। तो 48वें में क्या है, विश्व व्यापार संगठन, फिर WTO से आ गया साथियों सवाल, WTO से। तो WTO के संदर्भ में दो कथन हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो क्या कह रहे हैं, पहला वाला, उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद मार्केस लिख दिया है, या कहीं कहीं मराकेस आपको भी लिखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये मराकेस ऐसे देखने को मिलेगा। तो मार्केस या मराकेस संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो साथियों यहाँ पर ये बात सही है, हाँ 1 जनवरी 1995 मैंने आपको बताया भी था, 1995 को किया गया था WTO की स्थापना, उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान, वार्ता के बाद। तो ये वाला सही है। और कह रहा है कि भारत WTO का संस्थापक सदस्य है, इसका मतलब संस्थापक सदस्य का मतलब दोस्तों कि जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका सदस्य है। तो यस, तभी से भारत है। तो दोनों कथने सही है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ये डी वाला। आगे देखें हम लोग अब 49 में, तो 49 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, नेशनल इनकम की गणना के लिए भारत में किस संगठन द्वारा किया जाता है, कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करता है, गणना करता है। तो 49 में आपका जो उत्तर होना चाहिए साथियों, आप लोग जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसको CSO द्वारा, CSO यानी ये सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। विकल्प नंबर बी आपका यही हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 50 में, तो 50 में साथियों क्या है, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, भारत में हरित क्रांति, बहुत ही बढ़िया सवाल, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में आपको जो है बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हरित क्रांति जानते हैं साथियों, ये 50 1900 ये 60 से 70 के बीच ये शुरू हुई थी, और भारत में यह गेहूं और चावल को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था, गेहूं और चावल के लिए, इसमें दो ही फसल मुख्य रूप से थी, तो गेहूं और चावल को रूप में भारत को खाद मतलब आत्मनिर्भर बनाना था, जो हम लोग पहले बाहर से लाते थे खाने के लिए, तो उसमें आत्मनिर्भर बनाना था। तो स्वामीनाथन जो है, एम स्वामीनाथन जो है, इसके जो है अग्रदूत थे, वही इसको लीड कर रहे थे। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक से मानी जाती है, यस यही मैंने बताया। तो इसका मतलब ये सही है, हमें अभी उत्तर नहीं मिला क्योंकि उत्तर अभी गलत जो होगा उसे कर बताना होगा। तो इससे सबसे ज्यादा लाभ
पश्चिमी भारत के राज्यों को हुआ। यस साथियों, जैसे पंजाब, हरियाणा और जो पूर्वी राजस्थान, ये सब जो क्षेत्र थे पश्चिमी, उन्हीं को ज्यादा लाभ मिला। जहां पर सिंचाई की सुविधा बेहतरीन थी, वहां पर नदियां नहरें थी। तो यही इसका मतलब ये भी सही हो गया, अभी भी हमें गलत नहीं मिला। गलत क्या है? यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं, चावल और मोटे अनाजों के उत्पादन पर लक्षित था। तो साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया, उसी के लिए यह कथन आपका गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब यही उत्तर होगा आपका, यही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। तो साथियों, यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए था, मोटे अनाज के लिए नहीं था ये, इसलिए यह गलत हो गया। तो सी आपका उत्तर होगा, और ये डी वाला भी सही है अपने अपने स्थान पर, कि खाद्यान्न आयातक से पहली बार भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बनने का सक्षम हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से जो प्रभाव होते हैं उसके संदर्भ में कुछ कथन दिया है। यदि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो बताना है हमें सही उत्तर के बारे में। तो देखें, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ता है साथियों, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ता है तो इसका मतलब बैंक सारा पैसा अपना आरबीआई के पास रख देंगे कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया। क्योंकि रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानते हैं आप लोग, बैंक हो गया ये और ये आरबीआई हो गया। तो बैंक अपना जब पैसा ज्यादा होगा तो ये बैंक जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है कि जब मतलब बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखेंगे तो आरबीआई जो इस पर ब्याज देता है, इसी ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ा देगा तो बैंक सोचेंगे हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा, सारा पैसा अपना बैंक के पास रख देंगे, तो इनके पास पैसा बचेगा नहीं जनता को लोन बांटने के लिए। तो क्या होगा कि आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, यानी जब लोन नहीं बांटोगे तो जनता का विकास कैसे होगा, तो बाधा उत्पन्न होगा ही। बैंक के पास मुद्रा उधार देने की क्षमता भी कम हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा तो आरबीआई के पास रख दिया लालच में कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा, और मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी। नहीं साथियों, मुद्रा स्फीति घट जाती है, क्योंकि जब बैंक किसी को लोन नहीं दिया, लोन ही नहीं दे पाया, पैसा कोई पाया ही नहीं, कोई खर्च ही नहीं करेगा, मार्केट में सामान बिका ही नहीं, तो सारा सामान जो लोग गर्ज में आकर जो थोड़ा सस्ता बेचने का प्रयास करेंगे, तो यही होता है। तो 1-2 आपका सही होगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 52 में। तो 52 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियों में शामिल है। तो भारत के सामने साथियों, जो भारत के सामने जो है आर्थिक चुनौतियां जो शामिल है वो कौन कौन सी है, भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां कौन कौन सी है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं भारत में उच्च मुद्रा स्फीति है। मुद्रा स्फीति का मतलब महंगाई ज्यादा है। महंगाई का मतलब जैसे हम कोई सामान 1 रुपया का खरीद रहे हैं, वो 2 रुपया का हो गया, इसका मतलब मुद्रा स्फीति हो गया, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ गया, तो उच्च मुद्रा स्फीति भी है। यस, उच्च आय वृद्धि है। तो साथियों, ये तो नहीं होना चाहिए, उच्च आय वृद्धि कहाँ है। तो बेरोजगारी भी है, निम्न आय वृद्धि है। तो जो हमारा 52 का जो उत्तर होना चाहिए साथियों, ये आपका सी हो जाना चाहिए, विकल्प नंबर सी, 1, 3 और 4। क्योंकि साथियों, उच्च आय वृद्धि कहाँ है, उच्च आय वृद्धि तो भारत सामने नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, और बाकी ये तीनों है। तो 52 का उत्तर सी होगा। तो 53 में हम लोग अगर देखते हैं, 53 में क्या है, ये मैचिंग वाला सवाल है, बहुत अच्छा। तो साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। एक तरफ आपको कुछ मोटर कंपनियों के नाम दिए गए हैं और दूसरा दिया है उनका मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं ये जो रेनॉल्ट एस कंपनी है, रेनॉल्ट एस कंपनी साथियों, ये जो है फ्रांस की है। इसको मैं आपको बता देना, वो फ्रांस की कंपनी है। रेनॉल्ट एस के बारे में आप लोगों सुने होंगे, तो ये फ्रांस की है। और साथियों, ये फॉक्सवैगन एजी, यह जर्मनी की है। और जानते हैं इसको, साथ जानते हैं जो ऑडी है, ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया और बीएमडब्ल्यू हो गया, ये सब जर्मनी की है। तो ये इसके साथ चलाएगा, हुंडई मोटर कंपनी। तो साथियों, ये दक्षिण कोरिया की है, दक्षिण कोरिया को हुंडई मोटर है, किया जो किया मोटर है, जो एक आप लोग देखते होंगे ना, ये किया, ये भी जो है दक्षिण कोरिया की है। और निशान साथियों जापान की है, जापान की। और साथियों, कावासाकी हो गया, होंडा हो गया, यमहा हो गया, ये सब जो है जापान के हैं। तो इसका मतलब सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, तो 53-54 में क्या देखते हैं।
54 वाले में क्या है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करके हमें सही उत्तर को देना है। तो सही उत्तर देखें हम लोग कैसे देंगे, हम लोग पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में शहरी वन लगाने की योजना 1993 में शुरू हुई। तो साथियों 1993 में ही शुरू हुई थी, मतलब पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से शहर में, जो शहरों में वन लगाने की जो हुई थी, जैसे सड़क के किनारे या कहीं खाली जमीन पड़ी है वहां। तो दूसरा पहला सही है। दूसरा क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र का गठन किया। जी 2005 में ही। तो आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा, 54 का सी। 55 में, 55 में क्या कह रहा है साथियों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल अभिलिखित तो वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार साथियों उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा है, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसी के हिसाब से, इसी के आधार पर बात कर रहा है कि अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत, यानी उत्तर प्रदेश ये है, इसका कितना क्षेत्रफल पर ये वन क्षेत्र है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के कुल 7.22% पर भूभाग है, केवल यानी वन है, यानी इतना प्रतिशत पूरा है, केवल 7.22% केवल वन क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए साथियों, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन है। तो यानी सबसे कहाँ, जैसे ये कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम वनावरण है, यानी वहां की भूमि वनों से सबसे कम ढकी हुई है। तो साथियों यहाँ दिया हुआ है भदोही, तो ये भदोही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, बी बी विकल्प नंबर बी भदोही। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा पाया जाता है। तो कौन सा औषधि पौधा पाया जाता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में से, तो ये बताना है हमें। तो रेबोल्फिया सरपेंटीना, क्योंकि साथियों ये तराई क्षेत्र, इसकी बात यह है कि नेपाल के बॉर्डर पे, और नेपाल के बॉर्डर पे आप लोग जानते हैं उधर हिमालय है, तो हिमालय से लोग सटे हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है बहुत से सारे औषधि युक्त पौधे पाए जाते हैं ये तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर वगैरह पे जो जिले हैं। तो रेबोल्फिया सरपेंटीना, हेक्साइंड्रम, पोडोफाइलियम, यानी उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, 57 का डी। तो 58 वाले में क्या है, तो निम्नलिखित में से विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए आप। तो सही उत्तर देना है, तो देखें यूकेलिप्टस को आप लोग जानते हैं, इसके पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है इसे, और ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी लेता है, जहां रहता है वहां का पानी का लेवल बहुत नीचे कर देता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घास पाई जाती है, यस दोनों बातें सही हैं, सी हो जाएगा आपका। तो 59 अगर हम लोग देखें, 59 में उद्योग केंद्र, उद्योग केंद्र प्रसिद्ध शहर, एक तरफ उद्योग केंद्र दिया है, एक तरफ प्रसिद्ध शहर दिया है, तो इसको हमें मिलाना है अच्छे से। तो कैसे हम मिलाएंगे देखते हैं। आप लोग जानते हैं ये कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ है, सहारनपुर में, याद रखा, ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं कि कागज को हम लोग आराम से सहला कर खोलते हैं, नहीं तो फट जाएगा। तो कागज सहारनपुर, तो ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे। और माचिस, माचिस को हम लोग जलाते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं बारते हैं माचिस को, तो ये बरेली हो जाएगा, ये आपका बरेली हो गया। लकड़ी के खिलौने साथियों, ये जो है लकड़ी के खिलौने, ये सोनभद्र में, और जो खेल का सामान है मेरठ में। इस हिसाब से आपका उत्तर कौन होना चाहिए, ए वाला तो 4 पर आ गया, तो पहले ही हमें मिल गया, ए वाला 4 पर, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा, 59 का सी हो गया, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 60 में क्या है, तो 60 वाले में उत्तर प्रदेश वन्य जीव बिहार के संदर्भ में एक तरफ आपको पंछी बिहार दिया है, दूसरी तरफ वो जिला दिया है, किस जिला में कौन सा पंछी अभयारण्य है, और जो सुमेलित नहीं है यानी जो गलत है उसी को बताना है हमें। तो कौन सा गलत है भैया, चलो मिलाते हैं, समस्तपुर पंछी अभयारण्य करा है बलिया में है, नहीं साथियों यह रायबरेली में है, ये कहाँ कह रहा है, रायबरेली में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, तो रायबरेली, तो विकल्प ये वाला यही आपका गलत था, हमें पहले ही पकड़ में आ गया, तो यही आपका उत्तर होगा। तो इसका मतलब बाकी सब अपनी जगह पे सही है,
सब मिलान सही है, केवल यही गड़बड़ था, तो इसी को हमें बताना था। बखीरा पंछी अभयारण्य संत कबीर नगर, तो नाम से ही पता लगा है कबीर, कबीरा, बखीरा, तो इसी तरह से कुल इसका रिदम लग रहा है। तो ये पार्वती जो है गोंडा, पार्वती को गौरा भी कहा जाता है, तो इसे आप ये ध्यान लगा लीजिए कि पार्वती गौरा, गौरा से गोंडा। और पटना वन्य अभयारण्य, इसमें पटना एटा, तो लग रहा है बिहार में लेकिन उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब सही है अपनी जगह पर, ये वाला गड़बड़ था। तो 61 में कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये हमें बताना है साथियों। तो ये यहाँ पर अब ये कहाँ है, ये लखीमपुर खीरी में तो नहीं है, वाराणसी में तो नहीं है, ये बहराइच में होना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, बहराइच में। तो कोई चीज आपको क्लियर न रहे तो जो जिसको एकदम कंफर्म लगे ये नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन कर दिया करिए आप लोग, उससे भी उत्तर निकलने की संभावना अधिक रहती है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बिजनौर में, यहाँ पर दिया है साथियों उत्तर प्रदेश बिजनौर में, जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, उस जिले में। तो आगे देखें हम लोग 63 में क्या है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की जो वन नीति आई थी 1998 वाली, तो उसमें कहा गया था कि अभी तो उत्तर प्रदेश की जो है केवल 7.22% जो है ये वन क्षेत्र है, तो उसमें ये कहा गया था कि जो है लगभग 33% होना चाहिए, 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र पर। तो इसका मतलब सी, यहाँ पर सी की बात कर रहा है, एक तिहाई, मतलब एक तरह से याद रखिएगा। 64 में, तो 64 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो सोनभद्र आप लोग जानते हैं साथियों, ऐसे उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो वो जो है चार राज्यों की सीमा को साझा करता है। एक आपको मैं यहाँ बता दूं, ऐसे उत्तर प्रदेश नीचे आप देख रहे, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ये, तो एक तो बिहार से सीमा साझा करता है, दूसरा झारखंड से सीमा साझा करता है, तीसरा छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, और चौथा एमपी से। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल से नहीं करता है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें 65 में, तो 65 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है उसे पढ़कर सत्य उत्तर हमें देना है, यहाँ सही उत्तर की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा स्थान रखता है। तो साथियों गलत बात है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा तो जनसंख्या के दृष्टि से ऊपर, साथियों ये जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे 28 जिलों में, पूरे 28 राज्यों में सबसे टॉप पर है, तो ये सबसे टॉप पर है। और लेकिन अगर ये क्षेत्र की बात किया जाए साथियों, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो आप लोग के दिमाग में आओगे सर पहला कौन है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल साथियों मध्य प्रदेश का है, दूसरा सबसे सॉरी 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 सबसे बड़ा साथियों ये राजस्थान का है, राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा जो है साथियों महाराष्ट्र का है, और ये चौथा अपना यूपी का है। तो ये बातें सही है आपकी, इसकी पहली 9 नवंबर 2000 को इसका वर्तमान भौगोलिक अस्तित्व में आया, क्योंकि यही पहाड़ी 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों को काटकर ये किया गया था, 10 नहीं साथियों 13 पर्वतीय जिलों को। तो ये तीसरा गलत हो गया आपका, इसका मतलब तो ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ऑप्शन में हमारे, तो 9 नवंबर यहाँ दे दिए शायद, ये 2000 को इसका वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में आया था, तो ये तो सही है। तो साथियों ये भी गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि यहाँ तीसरा दे दिया ना, तो सॉरी ये मैं कंफ्यूज हो गया, ये भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, केवल दूसरा सही है बी वाला। आगे देखें तो 66 में दिए गए, मतलब आपको एक तरफ राज्य दिए गए हैं
और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश से कौन से, मतलब जो गलत है उसी को बताना है हमें। तो हिमाचल प्रदेश से साथियों, ये सहारनपुर जो है सीमा साझा करता है, सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से भी करता है और जो है और से भी करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी करता है। राजस्थान से साथियों, आगरा और मथुरा करता है राजस्थान से, बिहार से चंदौली और ये अलीगढ़। उत्तराखंड से साथियों, ये जो है अलीगढ़ है, यह अलीगढ़ उत्तराखंड से नहीं करता है। यही आपका विकल्प जो है डी, यही गलत है, यही आपका उत्तर होगा। और बाकी सब अपनी अपनी जगह पे सही थे, गलत डी वाला था साथियों। तो चले हम लोग, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का साथियों सबसे उत्तरी जिला है, इसे याद रखिएगा। सबसे नॉर्थ वाला सहारनपुर होता है और सबसे साउथ वाला ये सोनभद्र। आगे देखें हम लोग 67 में, देखें क्या है 67 में। उत्तर प्रदेश के जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है उत्तर प्रदेश के जलवायु के संदर्भ में साथियों? तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो सही बात है साथियों, जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे तो ठंडी में आपको जो है गर्मी मिलता जाएगा। तो ये बात सही है, यानी शीत ऋतु में प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। यस, ये बात तो सही है, लेकिन गलत हमसे पूछा है। तो प्रदेश के पश्चिमी मैदानों एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यस, ये भी बात सही है। कर्क रेखा से अधिक निकटता के कारण बुंदेलखंड सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो साथियों ये भी बात सही है, कर्क रेखा से नजदीकी होगा इसीलिए। तो यहाँ पर ये तीनों जब सही है, इसका मतलब ये डी वाला गड़बड़ होगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है बरेली जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो साथियों ये नहीं है, बरेली जिले में सबसे अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, यह जो है जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। सही बात है, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम गर्मी पड़ती है बरेली में। यही गलत हो गया आपका, यही उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग, आगे देखें उत्तर प्रदेश जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश CWG जलवायु मिलता है। साथियों कोपेन ने, आप लोगों को मालूम है, मुख्य रूप से ये भारत की जो जलवायु है A, B, C, D, E में बांटा था, और फिर स्मॉल लेटर का प्रयोग करके इन सबको उपभागों में बांटा था, ये इतना आप लोग जानते हैं। तो ये जो है साथियों यहाँ, तो ये बात इसकी सत्य है। कोपेन जलवायु के अनुसार CWG जलवायु मिलता है। थार्नवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है CBW मिलता है, ये भी है, थार्नवेट ने जो ये बोला था। तो दोनों बातें सही हैं, तो सही उत्तर में आपका सी हो जाएगा। 59 में, तो 59 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा और उसके स्थानीय नाम के संदर्भ में बताइए। तो मृदा हो गई, एक स्थानीय नाम हो गई, तो जो सही नहीं है उसे बताइए। तो साथियों सही कौन सा नहीं है, ऊसर भूमि को स्थानीय भाषा में रेह बोला जाता है, बलुई मिट्टी को भूड़ बोला जाता है, काली मिट्टी को करेल बोला जाता है या रेगुर भी बोल दिया जाता है, यहाँ बुंदेलखंड की जो मिट्टियां हैं उसे साथियों माड़ मिट्टी बोली जाती है या पड़वा मिट्टी बोली जाती है, रेगुर नहीं बोली जाती है, रेगुर तो काली को ही बोली जाती है। तो विकल्प नंबर यहाँ डी गलत है, आपका उत्तर डी हो जाएगा 69 का। तो आगे चलें, काली मिट्टी को कई सारे नामों से जानता है साथियों, करेल भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी भी जाना जाता है और तमाम और तरह के जो है जानी जाती है। तो 70 में हम लोग देखें, तो 70 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश से है। सिंपल सा प्रश्न, यमुना का तो नहीं है, ये आती है उत्तर प्रदेश के, क्या उस पर भारत में भी नहीं है, इसका उस पार से आती है हिमालय से, घाघरा भी नहीं है, राप्ती भी नहीं है, गोमती है, विकल्प नंबर भी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है, झील से। आगे देखें 71 में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और संबंधित नदी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो बांध का नाम दिया गया है, यहाँ नदी दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है उसे पकड़िए, जो बांध और नदी का मैचिंग नहीं कर रहा है उसे पकड़ना है। तो ओबरा साथियों जो दे दिया है यहाँ पर, ओबरा ये कह रहा है घाघरा नदी पर बना, साथियों गलत, ओबरा रिहंद नदी पर बना है।
रिहन नदी आप लोग देखेंगे सोनभद्र में बहती है, तो ये रिहंद नदी बहता है, इसे याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब यही गलत है, तो यही आपका उत्तर हो गया, बाकी सब सही है। गोविंद सागर बांध जो है शहजाद नदी पर, सलारपुर, करदिया नदी, अहरौरा, बेलन नदी पर। तो आगे हम लोग देखें ये 72 में, तो 72 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के आधार वर्ष क्या है। जो जीडीपी की गणना की जाती है, आधार वर्ष का मतलब एक नॉर्मल वर्ष ले लिया जाता है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं हुआ हो, तो उसी के आधार पर गणना किया जाता है। तो कौन सा है साथियों, यह 11-12 है, विकल्प नंबर सी। काफी सारी चीजों में 11-12 का लिया जाता है। तो 73 हम लोग अगर देखें, तो 73 में क्या है, तो 73 में साथियों जो पूछी जा रही है बात हमसे, जीआई टैग से संबंधित यानी भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में दो कथन है, तो दोनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के रूप में का प्रयोग करने की अनुमति है। तो साथियों ये बात सही है, जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि वहां के लोकलिटी को दर्शाने के लिए। यह बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स के व्यापार संबंधी पहलुओं पर WTO के समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। तो कौन सा सही पूछ रहा है, तो सही यहाँ पर साथियों दोनों होने चाहिए, विकल्प नंबर सी। आगे हम लोग देखें 74 में, तो 74 में क्या है, एक बुक है साथियों जिसका नाम है एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। इस नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक साथियों यहाँ पर दे दिया है गुन्नार मेडल, रेगनल नर्स, रोस्टोव और कार्ल मार्क्स दे दिया है। तो साथियों यहाँ जो होना चाहिए ये आपका ये गुन्नार मेडल होना चाहिए, स्वीडिश से एक विद्वान है गुन्नार मेडल, तो इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था। विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। 75 में हम लोग देखते हैं, 75 में क्या है, कथनों को विचार से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके सही उत्तर देना है। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का उद्देश्य टैक्स हैवन देशों से आने वाले निवेश में होने वाली कर चोरी को रोकना है। तो यह साथियों वो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो होता है, यह हैवन देशों से आने वाले जो निवेश होते हैं वो चोरी, टैक्स की चोरी न कर सके, उसको रोकने के लिए है। ये बात सही है, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। साथियों नहीं, ये बात गलत है, जिसे हम लोग पीएमएलए जो है हम लोग ये कानून कहते हैं, इसी केस के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। एक ऐसा केस है साथियों धन शोधन के मामले में किया जाता है, जो 2000 में इसे बनाया गया था और 2005 में इसे लागू किया गया था। तो यहाँ कह रहा है 2000 में लागू किया गया था, तो ये गलत हो गया। तो साथियों एक केस क्या होता है, पीएमएलए जो भी केजरीवाल और तमाम जो है मुख्यमंत्रियों को जेल में भर दिया गया था ईडी सीबीआई के द्वारा, ये ऐसा केस है जैसे किसी के ऊपर लग गया कि हाँ इन्होंने काले धन को अवैध तरीके से सफेद किया है, तो उसको मतलब जेल में बंद करके तब जांच किया जाता है, यानी अनलिमिटेड समय के लिए उसे जो है जेल में रखा जा सकता है, और रखकर जांच किया जाएगा, जब मामला पाया जाएगा हाँ ये अपराधी है, इन्होंने गलत किया है, अपराध किया है, तब उन्हें जो है फिर से सजा होगी। अगर ये पता लगे हाँ इन्होंने नहीं किया है, छोड़ देगी। नॉर्मल कानून में क्या होता है, पहले आरोप सिद्ध होता है तब जेल होती है, इसमें क्या होता है उल्टा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है आपका 75 का जो उत्तर होना चाहिए यह केवल हमारा साथियों ए होना चाहिए, विकल्प नंबर एक केवल एक सही है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग आधा देख लिए, हमारा इकोनॉमिक्स का ये जो टेस्ट सीरीज है 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग 75 देख लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। इसके बाद हम लोग जस्ट सेकेंड पार्ट इसका अपलोड करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक होगा। तो साथियों काफी चीजों को हम लोग अच्छे से देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, केवल उत्तर बताने से कोई फायदा नहीं, ऐसा बताया जाए जिससे आपको भी समझ में आए और आप भी जिसको बता सकें समझ सकें, आप एग्जाम दें तो आपका भला हो सके। सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़कर उत्तर बताएं, क्वेश्चन गिनने के लिए कराएं, तो उस ठीक नहीं होगा। इसीलिए चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरीन से बेहतरीन आपको चीजें देने का प्रयास करते हैं। तो साथियों चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओएआरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए। साथियों, आज की जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक से संबंधित जो करंट से मुद्दे हैं वो भी आपको मिलेंगे। और साथियों, जो सबसे बड़ी खास बात है, इसमें आपको जोर दिया गया है, आपके जो सवाल आएंगे वो बजट से संबंधित सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वे से संबंधित सवाल है, सूचकांक के जो विभिन्न सूचकांक है उससे संबंधित सवाल होगा, जो भी सरकारी स्कीम है, सरकारी योजनाएं हैं वो होंगे, और करेंट अफेयर जैसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से जोड़कर पूरे इकोनॉमिक्स को इस तरीके से बैलेंस करके आपके लिए बनाया गया है कि आपके पूरे यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ जो दोनों आपके एग्जाम होने वाले हैं, इनके सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कैसे पूरे सिलेबस को कवर करेगा। और आप जैसे ही इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे, साथियों 150 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज है, 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इन एग्जाम में यूपी आरओ एआरओ में और यूपी पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, वे कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, वो सारा आइडिया आपको लग जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपको जानकारी हो जाएगी। तो साथियों, तन मन से लग जाइए, आपके लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि साथियों समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों जो होता है हाथ से निकल जाने के बाद इनकी कीमत समझ में आती है। तो आप लोग प्लीज साथियों लग जाइए, ऐसी बेहतरीन, जो आप लोग कितनी अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ऐसी बेहतरीन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगी तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हमारा कौन सा टॉपिक कमजोर है, तो कौन सा हमारा, कहाँ हमें ज्यादा मेहनत करना होगा, ये चीजें आपको जो है आइडिया लगेगा। तो चलें साथियों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या करा है हमारा आज का। ये हमारा पहला प्रश्न गजब का सवाल है, एक से बढ़कर एक साथियों सवाल है आपके लिए। तो देखें हम लोग जो पहला प्रश्न इसमें आपको कह रहे हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित सवाल है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में दो बातें लिखी गई है साथियों, बहुत ही गजब की बातें हैं। दोनों बातों को पढ़कर हमें, दोनों कथनों को हमें सही उत्तर देना है। अब चले हम लोग पहला वाला जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा है बजट यानी उत्तर प्रदेश का बजट 8,36,000 करोड़ है। साथियों थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, इसलिए यह कथन गलत हो गया। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो 7.36 लाख हजार करोड़, यानी यहाँ जो 7-8 दे दिया है, यहाँ 7 रहना चाहिए था और ये 36,000 करोड़ जो दिया ये सही है, इसका मतलब ये गलत हो गया यहाँ, तो ये गलत हो गया। और दूसरा वाला अगर हम पढ़ें तो बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल है। जी साथियों, इसमें जो बात किया गया है, इतना पैसा जो है नई परियोजनाओं के लिए खर्च होगा, तो ये जो है दूसरी बात, दूसरी कथन आपकी सही है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होना चाहिए साथियों केवल एक होगा, यानी मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल 2। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहे हैं। इसमें भी उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित सवाल है साथियों। अभी उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए तीन नई योजनाएं शुरू की गई हैं साथियों। ये तीन नई योजनाएं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो साथियों अभी बजट में जो तीन नई कृषि योजनाओं की बात की गई थी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, तो राज्य कृषि विकास योजना, उत्तर प्रदेश कृषि योजना, स्वचालित मौसम स्टेशन, यानी ये तीन के तीनों बातें हैं, तीन के तीनों योजनाएं इस 2024-25 के बजट में बात किया गया था कृषि से संबंधित, ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, सभी हैं, इसका मतलब डी हो जाएगा, तीन के तीनों हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है, तो 2 का आपका डी हो जाएगा। आगे हम लोग साथियों देखें यहां पर तीसरे में क्या बात कही जा रही है। देखो गजब का सवाल, देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा कोई नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। तो एक तरफ साथियों अभी उत्तर प्रदेश का जो बजट आया था उसमें कुछ संस्थाओं के प्रस्ताव दिए गए थे, कुछ नई संस्थाएं बनाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित संस्थान के नाम दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ दिए गए हैं वो जिला या क्षेत्र,
यानी वो कहाँ प्रस्तावित, कहाँ बनाने का उनका निर्णय लिया गया है। तो साथियों ये जो है पहला निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, ये वाला जो है ये बनाया जा रहा है साथियों, ये श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर साथियों ये कहाँ है, ये प्रयागराज में है। तो ये PRG में लिख दे रहा हूँ, PRG, तो ए वाला आपका 3 पे आ जाएगा, मैं इसको एरो लगा दे रहा हूँ, तो ए वाला जो है ये 3 पे आ जाएगा। संगीत महाविद्यालय साथियों ये आजमगढ़ के हरिहरपुर में है, तो ये आजमगढ़ में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आजमगढ़, तो ये आजमगढ़ में है। महर्षि वाल्मीकि ये सांस्कृतिक केंद्र, तो ये साथियों यह चित्रकूट में है, और ये तो आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में है, तो ये अयोध्या में, इसका मतलब D4 पे होना चाहिए, ए वाला 3 पे होना चाहिए, इसका मतलब सी कथन है हमारा सही। चौथे का जो तीसरे का हो जाएगा हमारा, तीसरे का सी हो जाएगा, विकल्प नंबर यही सी आपका सेट बन रहा है। आगे चले हम लोग, अब गजब के सवाल हैं एक से बढ़कर एक साथियों, पूरा आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे जानेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न बनाए गए हैं। तो देखें चौथे वाले में क्या है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश की योजनाओं में शामिल नहीं है, तो ऐसा कौन सी एक बातें हैं यहाँ पर योजना है, ऐसी कौन सी एक योजना उत्तर प्रदेश की योजनाओं में शामिल नहीं है, तो नहीं पर जरूर मार्किंग किया करिए, नहीं तो आप लोग आता हुआ प्रश्न गलत करके आएंगे। तो साथियों यहाँ पर जो है, यहाँ जो दे दिया है 7 निश्चय योजना साथियों, यह बिहार की योजना है, ये साथियों बिहार में है, यह जो है 7 निश्चय बिहार में, बिहार में जो सतत सतत और समावेशी विकास के लिए बिहार सरकार ने ये योजना शुरू किया था, तो इसका मतलब हमें मालूम है ये बिहार का है, तो आंख मूंद कर हम कह सकते हैं ये तीनों यूपी से ही संबंधित हो, क्योंकि हमसे उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो कौन नहीं है, डी नहीं है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। तो ये साथियों आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना जो है, ये जो है साथियों ये मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, उनको अच्छा सा प्रशिक्षण दे दिया जाए, जिससे वो कहीं नौकरी उनको मिल जाए, इसलिए आई थी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यानी जो युवा हैं, जो उसके अंदर कोई प्रतिभा है, तो उनको जो है बिना ब्याज का लोन दे दिया जाए, कम से कम 5 लाख रुपया, तो वो उससे कुछ उद्यम कर लें, इसके लिए आई थी। और मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, ये तीनों उत्तर प्रदेश से हैं। आगे हम लोग देखें पांचवा में, पांचवा में साथियों क्या कर रहे हैं, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के स्वयं के कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू में निम्नलिखित में से सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो साथियों बहुत ही गजब का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो, उत्तर प्रदेश से एक तरह का जो राजस्व है टैक्स के रूप में, तो सबसे बड़ा हिस्सा आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा साथियों उत्तर प्रदेश को SGST से प्राप्त होता है, यानी राज्य GST से प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो इनकम है साथियों, तो यहाँ पर SGST तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब अब हम दूसरे पे चलेंगे, दूसरा सबसे बड़ा साथियों यहाँ पर जो दूसरा बड़ा सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का साथियों, वो राज्य उत्पाद शुल्क है, तो यहाँ जो ये दिया है राज्य उत्पाद शुल्क, ये दूसरा सबसे बड़ा है, और ये SGST तो पहला है, सबसे नंबर एक पर होना चाहिए। और साथियों जो तीसरा सबसे बड़ा है वह जो है बिक्री व्यापार कर है, तो ये बिक्री व्यापार कर ये तीसरा हो जाएगा, और भू राजस्व ये चौथा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है हमें जो दिया है इस, और एक पे जो है ये पांचवा वाले में, पांचवा चौथा वाला में स्टाम्प है साथियों, चौथे वाले में, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा में, आपको बहुत ही गजब का सवाल दिया है, यहाँ आप कई सारे फैक्ट सीखेंगे। तो देखें आपको कह रहा है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के स्वयं के कर राजस्व में, यानी उत्तर प्रदेश का जो स्वयं टैक्स रेवेन्यू है उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका है, यानी उत्तर प्रदेश की जो टैक्स के रूप में रेवेन्यू होती है साथियों, इनकम है, वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा साथियों नंबर एक पर जो है, नंबर एक पर है जो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में रेवेन्यू मिलती है वो SGST है, SGST
यानी राज्य का जीएसटी वो सबसे बड़ा हिस्सा है। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा साथियों उत्तर प्रदेश का राज्य उत्पाद शुल्क है, ये दूसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू देता है। और तीसरा सबसे बड़ा साथियों बिक्री व्यापार कर, ये बिक्री व्यापार कर तीसरा सबसे बड़ा जो है टैक्स के रूप में उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू प्राप्त होती है। और जो साथियों चौथा सबसे बड़ा है वो स्टाम्प वाला है, ये वाला, ये वाला। और जो पांचवा सबसे ज्यादा है साथियों, ये तो नहीं होगा, ये छठवां है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, सबसे पहला जीएसटी होना एस जीएसटी है ये तो है नहीं, इसका मतलब दूसरा जो सबसे ज्यादा है वही है, तो राज्य उत्पाद शुल्क विकल्प नंबर सी दूसरा पूछा है, तो मतलब सर्वाधिक है। सर्वाधिक में मिक्सा मतलब साथियों जैसे आप तीन भाई हो, सबसे बड़ा आपके पास नहीं है, तो जो दो लोग हो उसी में से सबसे बड़े को बताओगे, तो यही है। जब एस जीएसटी नहीं दिया है क्योंकि एस जीएसटी ही सबसे ज्यादा है, एस जीएसटी नहीं है तो दूसरे नंबर को पकड़ोगे आप, ये वाला राज्य उत्पाद शुल्क को। बहुत अच्छा, आगे देखें हम लोग छठवें में। तो छठवें में साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला सवाल है साथियों। एक यहाँ आपको कथन दे दिया है और एक कारण दे दिया है, इस दोनों को अच्छे से पढ़कर आप सही उत्तर दीजिए आप। तो देखें पहला हम पढ़ेंगे, जब हम इसको जब पढ़ेंगे इस कथन को, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। यह साथियों जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी पर्यावरण प्रभावी रूप से जो है अच्छा से जो है उसका नियंत्रण हो पाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण को लोग अपनी जो है सुविधाओं के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये बात सही है। अब जब दूसरा आप जब पढ़ेंगे कारण, तो बढ़ती जनसंख्या और मानवीय दखल, वही बात मैंने बताया ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो मानवीय दखल बढ़ेगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तो दोनों बातें सही हैं और ये बात इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, तो इसका मतलब आपका उत्तर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बहुत अच्छा, आगे हम लोग सातवां में अगर देखें, तो यहाँ पारंपरिक ऊर्जा से संबंधित सवाल दे दिए। पारंपरिक ऊर्जा मतलब साथियों जो हम लोग डीजल पेट्रोल लकड़ी इधर इस प्रकार को जो जलाकर हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और खास करके ये प्रदूषण भी फैलाती है पारंपरिक ऊर्जा। अब तो जो रिन्यूअल एनर्जी की बात की जाती है, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर दीजिए। तो पहला वाला जब पढ़ेंगे साथियों, ये वाला जब पहला वाला आप पढ़ोगे, तो कह रहा है पृथ्वी पर इनकी सीमित उपलब्धता है। साथियों सीमित उपलब्धता है ही, डीजल पेट्रोल ये सब जो है, ये सब की कोयला, ये सब सीमित, तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, सीमित उपलब्धता है। और अधिक मतलब अधिक उपयोग के कारण इनमें गुणात्मक कमी देखी गई है। साथियों ज्यादा उपयोग करोगे तो पर्यावरण वगैरह को नुकसान ही पहुंचाते हैं ये लोग, तो ये बातें आपकी सही है। जब दूसरा वाला यहाँ पर जब पढ़ोगे साथियों, तो कोयला गैस तेल पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, मैंने पहले बताया यही सब है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब सातवें का जो आपका आंसर होना चाहिए साथियों, वो सातवें का उत्तर कौन होगा आप लोग को पता चल गया होगा, ए होगा, विकल्प नंबर ए आपका सत्य है, एक और दो दोनों। आगे हम लोग बढ़े नौवे में देखते हैं, आठवें में, तो आठवें में आपसे क्या पूछ रहे हैं साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। गजब का सवाल है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है, तो इन दोनों कथनों को साथियों अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको यहां ध्यान दीजिए गलत उत्तर को बताना है, गलत उत्तर को, इन दोनों कथनों को सही पढ़ना और आपको जो गलत लगे उसी को बताना है। तो साथियों नियोगी समिति के संतुष्टि पर, यानी नियोगी समिति के सिफारिश पर इसका गठन 1955 में किया गया था। तो साथियों सच है ये बात, नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था, लेकिन 1955 में नहीं किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो ये 1952 में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, इसलिए यह आपका अब गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इसके कार्यों में राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता को सुधारना शामिल है। तो यह साथियों जो है ये दूसरी बात हमारी ये सही है, इसका काम राष्ट्रीय विकास परिषद का बात ये काम यही है, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम ही है यही करना, तो दूसरा सही हो गया। तो हमसे गलत पूछा है, तो गलत केवल एक है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा,
केवल एक गलत है, दूसरा वाला तो सही है। यहां जरूर ध्यान दीजिए, यही हमें बता रहा है कि हमें गलत देना है। आगे देखें, मार्किंग जरूर किया करिए ऐसे प्रश्नों का। तो साथियों यहां पर देखिए जो हमें दिए हैं, ये गजब का सवाल ये भी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक का नाम है साथियों। कभी आपसे पूछे तो ये पुस्तक का नाम है, यह पुस्तक किसकी रचना है? तो साथियों जो पुस्तक है वो जॉन मेनार्ड कीन्स की रचना है। विकल्प नंबर ये आपके बी हो जाएगा, नौवां का बी। जॉन मेनार्ड कीन्स एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं साथियों अपने समय के, और जो बहुत ही फेमस है साथियों ये जॉन मेनार्ड कीन्स, खास करके इनका नाम से जो है वो कीन्स नाम से ही जाना जाता है, पूरा नाम जॉन मेनार्ड इनका कीन्स है। तो यही वो पुस्तक को लिखे हैं। आगे हम देखें साथियों, और ये अगर कभी कभी ये पूछ लेता है ये कब लिखे थे, ये पुस्तक जो इन्होंने लिखा है तो ये कब लिखे थे इसको, वो तो 36 में लिखे थे साथियों। तो ये कब लिखे थे, ये 1936 में। आगे देखें हम लोग दसवां वाला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दो कथन है इस पर विचार करना है, विचार करके हमें सही उत्तर देना है। यहां जरूर मार्किंग करिए, सही उत्तर देना है। तो जब आप पहला वाला जब पढ़ेंगे साथियों, तो कह रहा है पहले वाले में, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है। यह साथियों गरीबी और अकाल नाम की जो पुस्तक है वो अमर्त्य सेन ने लिखा है, यह सही बात है साथियों। अमर्त्य सेन जानते हैं, ये भी अपने समय बहुत ही फेमस जो है अर्थशास्त्री रहे हैं, और ये जो इनका एक बहुत कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, ये कल्याणकारी का एक सिद्धांत दिए थे, आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में। तर्कशील भारतीय जिसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंटिव इंडियंस कहा जाता है, कह रहा है इसके लेखक रघुराम राजन है साथियों। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, और ये तर्कशील भारतीय इसके लेखक नहीं है, इसके लेखक यही हैं, यही जो मतलब इनके बारे में जो कह रहा है लेखक अमर्त्य सेन है। तो अमर्त्य सेन दोनों के ही लेखक हैं, इसका मतलब ये दूसरा वाला गलत हो गया। तो जो आपका दसवें का उत्तर होगा तो यही ए हो जाएगा, ए सही है केवल, क्योंकि ये रघु राजम नहीं है, यही अमर्त्य सेन ही इस पुस्तक के भी लेखक हैं। तो साथियों चले हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 11 में। तो देखें 11वां में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित आपको दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें जो है सही उत्तर देना है, यहाँ जरूर मार्किंग किया करिए सही उत्तर। तो आप जब ये वाला पहला पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा HDI सूचकांक 3 आयामों पर आधारित है। यस साथियों 3 ही आयामों पर आधारित है, वो है साथियों हेल्थ, एजुकेशन और जीवन प्रत्याशा, लाइफ स्टाइल जो है, तो यही 3 आयाम पर आधारित है। तो ये बात सच है साथियों, ये बिल्कुल सत्य है ये कथन। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 124वें स्थान पर है, तो 134वें स्थान पर, जी बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें सही है आपकी। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक संदर्भ में दोनों कथन ये सही हैं जो दिए हुए हैं। तो ये हो गया हमारा। अब 12 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 12 वाले में क्या पूछा जा रहा है। तो देखें साथियों 12 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो 12 में साथियों हमसे जो पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, देखें भयभीत न होइएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनको जो महारत्न का प्रमाण पत्र मिलता है साथियों, तो वो किन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता के अनुसार मिलता है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो साथियों आप लोग जानते हैं उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए। तो ये बात साथियों सही है, ये बात तो सही है, हाँ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में वो सूचीबद्ध यानी दर्ज होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान उनकी वार्षिक जो कारोबार होता है साथियों, टर्नओवर होता है, वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन फॉलो होना चाहिए महारत्न के लिए। और जो तीसरा कंडीशन है साथियों वो कह रहे हैं इसमें,
1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी उसका जो पिछले 3 साल के दौरान जो है औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कर रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो साथियों ये बात यहीं पर ये गलती कर दिए, 1,000 करोड़ नहीं साथियों, 5,000 करोड़ से अधिक लाभ होना चाहिए। तो ये 5,000 करोड़ से अधिक लाभ होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तीसरा गलत हो गया। तो आपका जो उत्तर होगा वो केवल 1 और 2 कथन सही है, ए हो जाएगा। यही दो होता है तीनों कंडीशन फॉलो करने के लिए। तो तीसरा गलत दिया और चौथा मैंने बता दिया, इसीलिए गलत था। आगे देखें हम लोग 13 में। 13 में साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है, आर्थिक विकास और आय असमानता के मध्य का वर्णन करने के निम्नलिखित में से किस वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आर्थिक विकास हो और इनकम में जो असमानता के मध्य जो एक ग्राफ खींचा जाता है वो कौन सा है। तो साथियों कुजनेट्स वक्र विकल्प नंबर डी हो जाएगा, कुजनेट्स वक्र। इसका प्रयोग जो होता है आर्थिक विकास और आय की समानता के मध्य वर्णन करने के लिए किया जाता है साथियों। ये तो ये हो गया। और लाफर वक्र के बारे में तो आप लोग जानते हैं साथियों, लाफर वक्र होता है कर की दर और राजस्व, यानी लाफर वक्र ये कहता है कि सरकार अगर टैक्स को एक लिमिट पर रखेगी तो उसको रेवेन्यू यानी इनकम ज्यादा मिलेगा, अगर उससे कम ज्यादा करेगी तो उसका रेवेन्यू जो है इनकम कम हो जाएगा, तो यही कहती है। तो ये वाला तो लाफर वक्र हो गया। और बेकर वक्र तो आप लोग जानते हैं, यह प्रजनन और आर्थिक विकास के मध्य संबंध बताता है, कहता है कि आर्थिक विकास बढ़ेगा तो प्रजनन दर थोड़ा सा बढ़ जाता है, आर्थिक विकास और बढ़ेगा तो प्रजनन का आकार घट जाता है, यानी उल्टा यू आकार का वक्र इसमें बनता है। तो ये सब बातें मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, फिलहाल आपके प्रश्न का उत्तर डी है। आगे देखें हम लोग 14 में। 14 में साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, साथियों अगर वीडियो आपको जरा सा भी हमारा अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत का अगर आपको अंदाजा थोड़ा सा लगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले हम लोग देखते हैं चौथे वाले में, 14वां में। वैधानिक तरलता अनुपात जिसे हम लोग SLR कहते हैं, SLR, तो वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो साथियों जानते हैं SLR क्या होता है, एक जो बैंकों के पास जमा पैसा होता है उसका एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित भाग अपने ही पास रखना पड़ता है। तो वह यही पहली बात कर रहा है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नगद कैश में हो या सोना हो या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो, रिजर्व के रूप में पास रखा जाता है। तो मतलब कह रहा है रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है, यही गलती कर दिए साथियों, या रिजर्व बैंक के पास नहीं, यह बैंक अपने पास रखते हैं, यही गलती कर दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ये सारी बातें सही है, सिर्फ यार रिजर्व बैंक की जगह अपने पास लिखना चाहिए था। तो इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित है, ज्यादा से ज्यादा 40 हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकता और जो है उससे कम हो सकता है। तो ये दूसरी बात सही है SLR के संबंध में। तो इसका मतलब आपका जो उत्तर होगा सही पूछा है, कौन सा सही है, तो सही केवल बी है, यानी 2 है। तो 14 का आपका जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। तो साथियों मैंने बता दिया बहुत ही गजब SLR से संबंधित प्रश्न काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक यही इसी से संबंधित एक CRR होता है, CRR होता है, उसका भी होता है कि बैंक एक निश्चित अनुपात का अपना पैसा, वो CRR जो है वो RBI के पास रखा जाता है। तो और जो SLR होता है बैंक अपने पास ही रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 15 में। 15 में साथियों आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो साथियों इस 4 दिए हुए ऑप्शन में 3 जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं, एक ऐसा है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो उसी को आपको पकड़ना है। तो साथियों वैश्विक इस प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो होता है यह भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये भी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और ये वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट ये भी जो है जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो यहाँ पर जो सी है साथियों आपका, तो जो
ये सी वाला है, यही आपके जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट साथियों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा ये साथियों, बहुत ही अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं। 16 में साथियों बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर कितने अच्छी बात लिखी गई है। हमें मिलाना है कौन सा सही सुमेलित है, यानी गलत को नहीं, जो तीन गलत हैं एक सही है, तो उसी सही वाले को पकड़ना है। जब आपसे गलत पूछेगा या कहेगा कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब एक उसमें सही नहीं है, तीन सही है, तो यहाँ पर एक सही है तीन गलत है, तो उसी सही वाले को पकड़ना है। एक तरफ आपको बेरोजगारी दिया है, दूसरी तरफ उस बेरोजगारी संबंधित कारण दिया है। तो साथियों चक्री बेरोजगारी लिख दिया, चक्री बेरोजगारी मतलब साथियों क्या होता है, जैसे एक मौसम में उसे रोजगार मिल गया, फिर वो मौसम बीत जाने के बाद रोजगार खत्म हो गया, फिर कोई मौसम आया तो उसे रोजगार मिला, जैसे ट्रैक्टर वाले हो गए, एक समय में उनको रोजगार मिल जाता है फिर नहीं मिलता है, या फिर जो खेती में काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं उनको, तो उनके अंदर जो चक्री बेरोजगारी होती है वो आर्थिक उतार चढ़ाव होता है, कभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है कभी डैमेज हो जाती है। इसका मतलब ये वाला इस पर रहना चाहिए था तो ये गड़बड़ हो गया, ये वाला इस पर दे दिया। और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है साथियों जानते हैं, एक जॉब छोड़ने और दूसरी जॉब पकड़ने के बीच व्यक्ति जितने दिन बेरोजगार रहता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कही जाती है। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के बीच होता है, तो ये इस पर रहना चाहिए था ये वाला, इसका मतलब इस पर आर्थिक उतार चढ़ाव दे दिया, ये भी गलत हो गया। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है साथियों, संरचनात्मक बेरोजगारी आप लोग जानते हैं, यही सही है, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा, ये कौशल असमानता। ये संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में बहुत है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, वहां कागज कलम से लिखा पढ़ाई वाली काम है, वहां कंप्यूटर आ गया, अब सारा काम कंप्यूटर से होगा, तो आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, यानी अपने स्किल की कमी की वजह से जो व्यक्ति बेरोजगार है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ये सही है। और शास्त्री बेरोजगारी साथियों ये क्या होता है, उच्च वेतन मान होता है, ये यहाँ पर रहना चाहिए था। तो आगे चले हम लोग, हमारा सब देख लिए हम लोग बड़े अच्छे से, आपका उत्तर जो है ये सी हो जाएगा, यही सी आपका उत्तर होगा। आगे हम लोग अगर चले देखते हैं साथियों, आगे हमारा 17 वाले में क्या है, शास्त्री बेरोजगारी मतलब यहाँ साथियों यह होता है कि जैसे बाजार में उपलब्ध रोजगार और श्रमिकों की कौशल, यानी श्रमिक बाजार में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो कंपनी वाला भाव खाने लगे, ज्यादा वो हमेशा ठीक से उनको पेमेंट नहीं देगा, उनको मतलब ये सब उनको वेतन ठीक से नहीं देगा, ये है उसका मतलब। आगे देखें हम लोग 17 में, 17 में क्या आपसे पूछा जा रहा है, नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो नीति आयोग निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट जारी करती है इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी करती है, निर्यात तैयारी सूचकांक जारी की जाती है कि कहाँ से क्या निर्यात कितना हो रहा है, भारत नवाचार इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है, नवाचार यानी कौन सा राज्य नवाचार, इनोवेशन मतलब नई चीजों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य कितना है, ये सब जो तीनों रिपोर्ट्स हैं ये नीति आयोग जारी करता है, विकल्प नंबर बी। तो आप लोग जानते हैं नीति आयोग के बारे में, ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था मोदी जी की सरकार में, तो आइए आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 18 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट, ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो तीन विश्व बैंक के द्वारा नहीं की जाती है, एक की जाती है उसी एक को बताना है। तो साथियों यहाँ 18 वाले में जो है हमारा ये विश्व विकास रिपोर्ट, यही विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट साथियों IMF के द्वारा जारी किया जाता है, IMF जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जो होती है साथियों यह जो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, UN के द्वारा, और विश्व शहरों के जो रिपोर्ट है साथियों वो UN Habitat के द्वारा, UN Habitat, तो समझ जाइएगा आप लोग
तो सब मैं बता दिया, फिलहाल उत्तर आपका ए होगा। आगे देखें हम लोग 19 का। 19 में आपसे पूछ रहे हैं, भारत सरकार ने नवीनतम जनसंख्या नीति कब जारी की थी? तो साथियों, भारत सरकार सन 2000 में अपनी नई जनसंख्या नीति लागू की थी, तो विकल्प नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस नई जनसंख्या नीति में भारत ने कहा था साथियों कि हम 2045 तक, 2045 तक जो है अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे, कॉन्स्टेंट कर लेंगे, रोक लेंगे बढ़ने से, बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन सरकार ने साथियों 2000 जो है 10 तक आते आते, 2010 तक आते आते सरकार की हालत खराब हो गई, उसके लग गया कि जनसंख्या इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होगा, तो सरकार ने लक्ष्य रखा कि अब हम 2070 तक जो है जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी नई जनसंख्या नीति 2000 जो है भारत सरकार की, उसके अनुसार जो जनसंख्या के स्थिर करने की बात की गई है 2070 तक। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं हमारा सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है। 20 में तो साथियों, कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है उसी को हमें पकड़ना है साथियों। बहुत ही गजब का, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 3 गलत हैं, 1 सही है, उसी सही को पकड़िए। तो साथियों यहां देख रहे हैं हम लोग, यहां कह रहा है कि आप लोग जानते हैं तो राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने किया था। तो साथियों आप लोग जानते हैं जो जो है राष्ट्र का आय यानी राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान निकाला था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आप लोग हिस्ट्री में खूब पढ़े होंगे, तो ये ए वाला चला आएगा या ये दादा भाई नौरोजी रहना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आपको VKR राव दे दिया। इसका मतलब ये वाला कथन गलत कर दिया, इसके सामने दादा भाई नौरोजी रहना चाहिए था। और राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति ये किससे संबंधित है साथियों? राष्ट्रीय आय जो समिति है, तो ये तो यहाँ हो गई। इसका मतलब साथियों ये भी गलत हो गया। जब ये वाला इनके पास आ गया तो डी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि ये वाला यहाँ रहना चाहिए था, तो ये यहाँ दे दिए। इसका मतलब ये दोनों साथियों गलत हो गए। तो यहाँ जो सही उत्तर है, राष्ट्रीय आय समिति, यह किससे संबंधित है? पीसी महालनोबिस से। विकल्प नंबर बी ही आपका उत्तर होगा। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक आय का जो अनुमान किया था वो किया था VKR राव ने, तो ये यहाँ रहना चाहिए था इसके सीधे पर। तो जो सही है मैंने तीर के माध्यम से मिला दिया। फिलहाल आपके प्रश्न का सही सुमेलित पूछा है, तो सही अभी बी है, और बाकी सब गड़बड़ थे। तो जो गड़बड़ था तो उसको मैं आपको मिलाकर बता दिया हूँ यहाँ क्या रहना चाहिए था। आगे देखें हम लोग, 20 हो गया हमारा, 21 देख लें हम लोग क्या है। 21 में साथियों हमसे जो पूछी जा रही है बात, तो थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। 21 में जो हमसे बात पूछी जा रही है, क्या कौन सी योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें यहाँ पर साथियों योजना दिया है और दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया है, और जो कौन सा मिसमैच है, सही सुमेलित नहीं है, उसको मिलाना है, उसको पकड़ना है हमें। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक चीज ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं कौन सा नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो आप मतलब 4 कथन में से सबको पढ़िएगा, आपको वही गड़बड़ी मिलेगी जो आप जानते रहेंगे, जो पॉपुलर चीजें होती हैं। तो साथियों ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है मोदी जी की सरकार में साथियों ये आया था, तो मोदी जी सरकार में कब आया था साथियों? 2016 में, 2018 में नहीं, ये 2016 में आया था। इसका मतलब यही सही नहीं है, जो हमें पता पता लग गया कि यही गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों सही हैं अपनी जगह पर। यानी बागवानी, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए जो योजना आई थी 14-15 में, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी 17 में, जो ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 16 में, तो सब बातें अपनी जगह पर सही हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर डी होगा, क्योंकि नहीं कौन सा नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 की जगह 16 की जगह 18 दे दिया था, इसलिए यह गलत है। आगे देखें हम लोग, देखें 22 में, जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना। जैविक खेती क्या होते हैं साथियों? ऐसी खेती जिस पर जो है जिन्होंने बिना केमिकल के खेती पैदा किया जाए, पर्यावरण के अनुकूल किया जाता है, तो बिना उस पर जो है कीटनाशक दवाओं के सब प्रयोग से जो खेती किया जाता है, ऑर्गेनिक कृषि वो है। तो जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना
किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो साथियों यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो जैसे आप लोग प्रश्न को अगर समझ गए ना तो आप लोग उत्तर देने में आसानी होगी। आपको बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा जो आप उसका उत्तर जानते हैं लेकिन प्रश्न को नहीं समझ पाए, इसलिए नहीं कर पाए। तो यहाँ जैविक खेती, उसके प्रश्न के एक एक टर्म को पहले समझा करिए। तो जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना साथियों जो आई थी वो कब आई थी? तो आप लोग जानते हैं 2002 से 2007 तक ये थी, 2002 से लेकर 2007 तक। तो ये थी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आगे चले हम लोग 23 में देखते हैं। 23 में क्या है? तो देखने में जो बड़े होते हैं उनमें कोई दम नहीं होता है साथियों, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, वही वाला हाल है इनका। तो कोई दम नहीं है, देखें कथन दे दिया है यहाँ और यहाँ एक कारण दे दिया है, कह रहा है इसको पढ़कर अच्छे से सही उत्तर दे दो। तो आप जब पहला ये वाला पढ़ोगे, सतत विकास एक संगठित सिद्धांत है। तो यह साथियों सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक संगठित सिद्धांत है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक प्रणालियों को, मनुष्य को आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो सतत विकास आप लोग जानते हैं साथियों, ये ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में ये दिया गया था। कहा गया था कि मतलब सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ियों को भी आवश्यकता पूरी करेगी और जरूरत पूरी करेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, उनके लिए भी ऊर्जा यानी संसाधन बचा कर रखेगी, उनके भी आवश्यकता को ध्यान में रखेगी। तो यही होती है सतत विकास। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पर साथियों ये बातें आपके गलत हो जाती है। ये सही है कि हाँ 1987 में ब्रटलैंड की रिपोर्ट के आधार पर ये बनाया गया था, लेकिन ये साथियों कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जो अपनाया था साथियों वो 2015 में अपनाया था, 2015 में अपनाया और उसमें 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किया और कहा कि इसे 2030 तक प्राप्त करना है। तो यही बात इसमें कहा गया, तो ये गलत हो गया। ये 1987 के मतलब में नहीं अपनाया गया था, तो ये बात गलत हो गई। इसका मतलब ए सत्य है आर गलत है। तो 23 में आपका डी हो जाएगा, डी यहाँ दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा तो डी हो जाएगा। तो सॉरी साथियों यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई, तो एक मिनट पीडीएफ में, तो अब सही है। तो साथियों यहाँ जो है आपका जो उत्तर होगा होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ए सत्य है आर गलत है। आगे हम लोग देखें 24 में। तो 24 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? एकदम अच्छा सवाल है, देखें जरा सा भी इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं करिएगा, ध्यान समझिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड केकेसी योजना के बारे में ये आपसे पूछ रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड साथियों जो केकेसी योजना है, हम लोग गांव के होंगे तो समझते होंगे इसको, किसानों के लोन से संबंधित, ये 1999 में ये आई थी। तो कह इसमें कह रहा है कि ये योजना 1995 में बैंकों के द्वारा समान रूप से अपनाने के लिए किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए शुरू की गई थी। तो सब बातें ये सही कहा, जितना इन्होंने बकवास किया इसकी सब बातें सही है, लेकिन 1995 की जगह पर साथियों ये 99 रहना चाहिए था कि ये तब आई थी। इसका मतलब ये गलत हो गया और हमें गलत उत्तर बताना है, गलत उत्तर बताना है यानी जो गलत है। और दूसरा में कह रहा है कि कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के रख रखाव के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। यस, ये दूसरी बात तो सही कह रहा है किसान क्रेडिट योजना के बारे में, लेकिन अब हमसे गलत पूछा। तो 24 में गलत केवल एक है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, ए डी वाला केवल एक। तो आइए हो यही है, केवल एक हो जाएगा ये वाला। आगे चले हम लोग 25 को देख लेते हैं। 25 में क्या कहा जा रहा है? आपको शून्य बजट से संबंधित करा है, क्या गजब का सवाल है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, तो शून्य बजट का मतलब ये होता है साथियों एक भी पैसा बिना खर्च किए हम लोग खेती करें। हम लोग जो खेती करते हैं तो उसमें कोई भी पैसा खर्च ना करें। हम लोग केमिकल और तमाम जो दवाएं लाते हैं उसके जगह पर हम लोग देसी गोबर और देसी देसी चीजों को बनाकर उसमें छिड़काव करें, जो हमें बाजार से ना खरीदना पड़े। और उसको जो है यही सब उसमें बातें होती हैं, हम लोग जो डीजल इंजन की जगह सोलर इंजन को, सोलर एनर्जी से उसको जो है सिंचाई करें, यही सब उसमें होता है जो शून्य बजट कृषि में। तो
तो पहली बात क्या कर रहा है, शून्य बजट कृषि प्राकृतिक इनपुट आगत मतलब इनपुट द्वारा खेती पर बल दिया जाता है ताकि खर्च शून्य हो जाए। यस, यही मैंने बात अभी आपको बताया, खर्च शून्य किया जाता है और जो है देसी चीजों को अपनाकर जो घर पर ही मिल जाए। केंद्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए 1919-20 में भारतीय कृषि पद्धति नाम की एक उपयोजना शुरू की थी। तो यह साथियों 25वां का दोनों बातें यहाँ सही हैं आपके, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। बहुत अच्छा, 16 हम लोग देखते हैं, 26 को। 26 में आपसे क्या कह रहा है साथियों, एक बहुत ही पॉपुलर सवाल आपके सामने आया है, हिंदू वृद्धि दर शब्द सही तरीके से किसको परिभाषित करता है। तो नाम है साथियों, ऐसा लगता है कोई धर्म से संबंधित होगा, लेकिन यह जो है राजकृष्ण नाम के एक जो है व्यक्ति थे, तो राजकृष्ण वो उन्होंने जो 1950 से लेकर 1980 तक विकास दर भारत की बहुत धीमी थी, उस धीमी विकास को, ये जो 30 सालों के विकास था बहुत ही धीमा था, क्योंकि आज नया नया भारत आजाद हुआ था, सारी चीजें मैनेज करनी थी, तो इसको जो है उन्होंने ये धीमी विकास को जो है हिंदू वृद्धि दर नाम दिया था। तो विकल्प नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई आर्थिक विकास की निम्न विकास दर, यस विकल्प नंबर बी आपका यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 27 में, तो 27 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक से पढ़कर एक प्रश्न है, थोड़ा सा अगर आप हमें समय देंगे चीजों को समझेंगे तो आपसे आपको इससे बेहतर चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। आगे देखें हम लोग भारतीय कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो चले हम लोग सही उत्तर दें इन दोनों कथनों को पढ़कर। पहला आप जब पढ़ेंगे तो चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तो साथियों यस, ये बात बिल्कुल सही है, चीन में सिंचित क्षेत्र का मतलब है हम लोग जितनी भूमि पर खेती करने के लिए भूमि को सिंचाई करते हैं, तो जैसे ये भूमि हो गई, तो जितनी भूमि पर हम लोग खेती करने के लिए सिंचाई करते हैं, मान लीजिए इतने पर करते हैं, तो ये सिंचित क्षेत्र हो गया। तो भारत का सिंचित क्षेत्र चाइना से ज्यादा है, लेकिन साथियों प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता चाइना से कम है। तो ये बात हमारी पहली तो सही है, हाँ भारत में सिंचित क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन साथियों चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो नहीं साथियों, चीन की अधिक है, तो हमारा ये जो हो जाएगा ये दूसरा वाला गलत हो गया, क्योंकि साथियों हमारा जो भारत की जो है, जैसे भारत में लगभग 48% सिंचित क्षेत्र है, भारत की जितनी भूभाग है उसका 48% पर सिंचित है, और चाइना में यही साथियों 40% है। लेकिन चाइना में क्या दिक्कत है, वहां की उत्पादकता अधिक है, जो जो 1 एकड़ में जितना उत्पादन कर लेगा, पता लगा हम उतना 1.5-2 एकड़ में करेंगे। तो यही बात, ये दूसरी गलत हो गई, पहली सही हो गई, तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, केवल एक सही है। आगे चले हम लोग देखें, 28 हो गया, 28 में देखते हैं ये सही है साथियों। 15वां वित्त आयोग से संबंधित सवाल है, 15वां वित्त आयोग से संबंधित आपको सवाल भी पूछ लेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है, ये भी आपसे कोई छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो उसे संबंधित 15वां वित्त आयोग ने, 15वां वित्त आयोग ने मानदंड के रूप में किसका उपयोग नहीं किया है, किसका उपयोग नहीं किया है साथियों, जनसंख्या का तो किया है, वन पाइसिटी का भी किया है, कर एवं राजकोषी प्रयास भी किया है, शासन सुधार संबंधित यहाँ पर कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, यही आपका उत्तर होगा डी। आगे देखें हम लोग 29 में क्या है, तो 29 में जो दिया गया है साथियों क्या है, 29 वाला सवाल हमारा बहुत ही बढ़िया सवाल, देखें साथियों अच्छा सवाल है ये, कितना आपको कई सारा इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा ये। 29 में जननी सुरक्षा योजना, नाम ही है साथियों, जननी मतलब माता होता है, यानी माता को सुरक्षा करने के लिए योजना आई थी, यानी माता से ही नहीं साथियों, इसमें जच्चा बच्चा दोनों था, तो जो महिलाएं बच्चा जो जो मतलब बच्चे को जन्म देती हैं, देने वाली महिलाएं थी साथियों, खास करके जो पहले गरीब महिलाएं होती थी, तो वो पैसा नहीं होता था कि जाके हॉस्पिटल में अपना जो है वहां पर वो प्रसव करवा सके, मतलब बच्चे को जन्म दे सके, तो
उनको अच्छी सुविधा मिल सके। तो घर पर ही रहती थी जिसके कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, जच्चा बच्चा को खतरा रहता था। तो इस समस्याओं को देखते हुए और जो सरकार जो थी 2005 में जो है एक योजना शुरू की, जननी सुरक्षा योजना, किसे संबंधित है, जच्चा और बच्चा को बचाने के लिए। तो इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। यस, वही बात मैंने अभी बताना चाह रहा था आपको, यही सही है। पहला, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। यस, का खास करके गरीब महिलाएं जाती नहीं थी पैसे के डर से, पैसा नहीं है, घर पे उनको खतरा हो जाता था। और जो महिलाएं चली गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसा लूटते थे कि उनका गहना गुड़िया खेत क्यारी सब बिक जाता था। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए लाया गया था 2005 में, और ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना थी साथियों, इसमें पूर्ण रूप से ये केंद्र सरकार का पैसा खर्च होता था, केंद्र सरकार। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों बातें सही हैं, तो ए हो जाएगा 29 का, हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो ए हो जाएगा 29 का ए। तो चले हम लोग अब आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न जो है 30, 30 में क्या है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका काम नाम से ही है प्रतिस्पर्धा, यानी कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिवनेस। तो कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहेगा तो लोग, जनता को सही रहे, क्योंकि जानते हैं आप लोग जैसे 10 दुकान है और ये कहीं 5 दुकान है, पांचों दुकानों पर एक एक जैसा सामान बिकता है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा दुकानों में। सब सोचेंगे हम अच्छा सामान बेचें और सस्ता सामान बेचें, एक ही अगर रहेगा तो भाव खाएगा, अच्छा भी नहीं देगा महंगा भी देगा। तो ये इसी से कुछ इसका बात संबंध है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में हमें दो कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। पहला वाला जब आप पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी। तो यस, ये बातें सही हैं, ये आपका सही कह रहा है। और इसका उद्देश्य बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करना, यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, क्योंकि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो उसका फायदा होता है। तो यहाँ ए आपका उत्तर हो जाएगा 30 का ए। 31 का देख लें हम लोग, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में सवाल है। बैंक बोर्ड ब्यूरो साथियों ये क्या है, इसके विषय में कौन सा कथन सही है, तो सही उत्तर देना है हमें। तो सही उत्तर कैसे देंगे, पीजे नायक समिति की सिफारिश पर साथियों, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो पीजे नायक समिति की सिफारिश पर किया गया था, और साथियों 28 जनवरी 2015 लिख दिया है, तो यही गलती की है साथियों, 28 फरवरी 2016 को किया गया था। तो यहाँ जो है यहाँ लिख दिया 28 फरवरी 2016 को किया गया था, तो यहाँ ये डेट होने चाहिए थी, इसलिए ये जो है आपका पहला गलत हो गया, पहला गलत लिख दिया। तो गलत क्यों किया मैंने बता दिया, ये होना चाहिए था वित्त मंत्रालय का सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो साथियों नहीं, ये भी बात गलत लिख दिया है, वित्त मंत्रालय का सचिव नहीं, इसको एक जो मंत्रिमंडली नियुक्ति समिति होती है वो तय करती है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो ये भी बात गलत हो गई, तो आपका उत्तर जो है बी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है, न तो एक न ही दो। आगे देखें हम लोग 32 में, 32 में साथियों क्या गजब का सवाल आ गया फिर, भिलाई इस्पात संयंत्र के संदर्भ में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के संदर्भ में हमारा जो है सवाल दे दिया है, तो उसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो साथियों मतलब कौन सा सही है और उसके पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो आप लोग जानते हैं साथियों, ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये स्टील बनाने वाली एक ऐसी कंपनी है, इस स्टील का जो प्रयोग जो होता है रेलवे में होता है, यही भिलाई स्टील यो जो ये वाला है ये, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में ये शुरू हुई थी। ये तो यहाँ जो बात लिखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से कर रहा है साथियों, गलत, ये रूस की सहायता से शुरू हुआ था, तो सोवियत संघ उस समय उसका नाम था, तो रूस समझ लीजिए, तो रूस की सहायता से हुई थी। तो ये पहला गलत हो गया, तो आजाद भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है, ये बात सही है, आजाद भारत का पहला स्टील उत्पादन करने वाला ये संयंत्र है, और इसका प्रयोग साथियों रेलवे में बहुत ज्यादा होता है, इसका स्टील, इसके द्वारा उत्पादन की गई स्टील का। तो
तो यहाँ पर साथियों जो 32 का हमारा है उत्तर आपका डी होगा, केवल जो है दो हमारा सही है साथियों। तो साथियों ये भिलाई इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं ये छत्तीसगढ़ का जो जिला है, छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, सॉरी सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी एक मिनट यार देखें, तो छत्तीसगढ़ में बताना चाह रहा था, यहां लिख दूं मैं, छत्तीसगढ़ में एक जिला है साथियों दुर्ग, दुर्ग तो उस दुर्ग में एक स्थान है भिलाई, तो उसी भिलाई नामक स्थान पर ये जो है इस्पात संयंत्र लगाया गया, इसीलिए इसका नाम भिलाई इस्पात संयंत्र रख दिया गया। तो आगे चले हम लोग देखें 33 में, राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में दो बातें लिखी गई हैं, दोनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो कैसे देंगे सही, चलिए जो है देखा जाए, दोनों बातों को पढ़िए। इसमें आंशिक वित्त पोषण निजी निवेशकों द्वारा किया जाता है, यस ये बात सही है, निजी निवेशकों द्वारा किया जाता है ये बात सही है, और मतलब आंशिक, और यह देश में अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया एक फंड है, कोष है। तो दोनों बातें सही है यहाँ, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष से संबंध। आगे देखें हम लोग 34 में, 34 में जो आपसे पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति, अभी एक जो आई थी वो भारत की जनसंख्या नीति थी, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के लिए जो आई है अभी नई, तो 2021 से 30 के लिए लागू है वो, प्रजनन स्तर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2.1 तक इसका प्रजनन रेट जो फर्टिलाइज, ये जो प्रजनन रेट जो है 2.1 तक लाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो साथियों ये 2026 तक रखा गया है, तो ये प्रजनन रेट क्या है साथियों, ये कि एक मतलब एक औसत की बात किया गया है, औसत में एक महिला जो है 2.1 बच्चा पैदा करे, तो इसका मतलब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये पॉइंट में कैसे आ गया, तो साथियों ये औसत की बात कर रहा है, और 2030 तक साथियों 2030 तक इसे जो है और कम करना है, 2030 तक इसे 1.9 तक लाना है, प्रजनन रेट जो है 1.9 तक लाना है, तो ये बात याद रखिएगा। फिलहाल उत्तर आपका बी होगा, 1.9 का साथियों यहाँ आप लोग सोचेंगे ये बच्चा तो आधा कैसे होगा, तो आप मैथ के स्टूडेंट होंगे जानते हो, जैसे एक महिला है वह जो है 3 बच्चे जन्म दी, और एक महिला है वो 1 बच्चों को जन्म दी, तो इन दोनों का औसत लेंगे, तो इसका मतलब साथियों यह जो है ये मान लीजिए एक महिला 3 बच्चों को जन्म दी, एक 2 को, तो 5 बच्चे हो गए, इसका औसत लेंगे तो 2.5 हो गया, तो यानी अब इसका आप कह सकते हैं एक महिला के 2.5 बच्चे हैं, इस तरह से आपको समझ लीजिए। फिलहाल आपके 34 का प्रश्न बी हो गया। आगे देखें 35 का, पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित नहीं करता है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि अगर होती है निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित नहीं करता है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो पूंजी की प्रति इकाई पर कम उत्पादन प्राप्त, तो ये कम उत्पादन प्राप्त होगा साथियों, ये तो होता है, तो पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त होना, तो ये गलत है साथियों, तो ये नहीं होता है, विकल्प नंबर बी आपका यही गलत है, और बाकी इसका मतलब सब सही होंगे। आगे देखें हम लोग 36, तो 36 में क्या पूछ रहे हैं, 36 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कुछ नियम है, कुछ संस्थाएं हैं, सॉरी संस्थाएं हैं, और यहाँ पर उसका वर्ष है, तो कौन सा मिस मैच है उसी को हमें बताना है। तो फेमा अधिनियम जो लागू हुआ था सर, जो फेमा अधिनियम, तो वो जो है वो इसमें लिख दिया है कि 2000 में साथियों, तो फेमा जो लागू हुआ था साथियों 2000 में लागू हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, ये सही है अपनी जगह पर, हाँ 2 में लागू हुआ था, लेकिन हमसे गलत बताना है, अभी हमें गलत नहीं मिला। सिडबी की स्थापना साथियों 1990 में हुआ था, ये भी सही है, लेकिन अभी भी हमें गलत नहीं मिला। अग्रहणी बैंक योजना का कह रहा है 79 में हुआ था,
तो अग्रणी बैंक योजना के साथियों यह 69 में हुआ था, 79 में नहीं, ये 69 में, 1969 में, तो ये गलत होना चाहिए था। तो यही आपका उत्तर है, क्योंकि ये गलत है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम ये 76 में सही है। आगे चले हम लोग देखें तो 37 में क्या है, तो 37 में आपसे जो पूछा जा रहा है वो किस बात के लिए प्रश्न है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही उत्तर दीजिए कथनों को पढ़कर। तो वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग में स्थित एक अंतर सरकारी सॉरी अंतर मंत्रालय निकाय है। तो यस, ये 37 का ये बात सही है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के संदर्भ में, तो ये सही है आपका। तो ये वाली बात तो यहाँ पर आर्थिक मामलों के विभाग में स्थित एक अंतर सरकारी पैनल है, तो साथियों ये जो है गलत है, क्योंकि साथियों अंतर ये जो है यहाँ पर दिया है वित्त मंत्रालय से संबंधित आर्थिक मामलों के विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के बारे में, ये साथियों इसकी जो है एक अंतर सरकारी ये मंत्रालय, तो इसमें सही उत्तर बताना है, कुछ इसमें कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है। तो यहाँ पर साथियों जो होना चाहिए हमारा, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें हमें, तो आर्थिक मामलों के विभाग में स्थित यह एक अंतर सरकारी मंत्रालय निकाय है, तो ये बात तो सही है साथियों, सही उत्तर पूछा है ना, हाँ ये वाला सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सही है ये। और दूसरा कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में FIBP को समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो साथियों इसमें समाप्त करने की घोषणा जो है इसमें नहीं की गई, 2017-18 में केंद्र सरकार ने इसे समाप्त करने की घोषणा किया था, ये 2017-18 में, तो 2024-25 में नहीं, तो ये गलत हो गया दूसरा। इसका मतलब केवल आपका एक उत्तर सही होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा ये वाला, बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा 38 में, तो 38 में क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है उसी बताना है। उत्तर प्रदेश के कुछ आपको स्थान दे दिए गए हैं, उसके कुछ प्रमुख उत्पाद हैं, ये बताना है आपको कौन सा गलत है। तो वाराणसी में साथियों लकड़ी के खिलौने के लिए, ये साथियों एक तरह का वो दे दिया है, आप समझिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, तो 2018 में साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, तो यानी हर एक जिला को हर एक प्रोडक्ट में जो है प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए। तो वाराणसी में लकड़ी के खिलौने के लिए साथियों है, ये बात तो सही है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, तो गलत साथियों जो क्या होना चाहिए यहाँ पर, लखीमपुर खीरी, तो ये साथियों ये वाला हमारा गड़बड़ है, लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प जो है ये मैनपुरी और सहारनपुर वगैरह में ये है, तो ये गलत हो गया आपका, यही आपका उत्तर होगा। और नजीबाबाद में तो प्लाईवुड है, सब सही है, यही गलत था। 39, किसी अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन का अर्थ क्या होगा, तो अवमूल्यन का अर्थ होता है साथियों कि मुद्रा का मूल्य गिर जाना, जैसे अभी $1 पर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूं, $1 पर मान लीजिए 80 रुपया है इस समय, तो अगर सरकार ने कह दे कि हाँ भैया $1 पर जो है 85 रुपया हो गया, तो इसका मतलब मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, हमारा रुपया कमजोर हो गया डॉलर की तुलना में, यहाँ हमारा 80 रुपया जहाँ है $1 पर, यहाँ हमारा रुपया मजबूत है, और लेकिन यहाँ $1 पर 85 हो गया, इसका मतलब हमारा रुपया कमजोर हो गया, ऐसे समझिए $1 को पटकने के लिए हमारे 85 रुपया 80 रुपया मिलकर $1 को पटक रहे हैं, फिर हमारे रुपया की ताकत कम हो गई, अब $1 को पटकने के लिए 85 रुपया चाहिए, 85 लोग पटक रहे हैं, तो इसका मतलब ताकत में कमी आ गई इसके, तभी 85 लोग लपट रहे हैं, तो इस तरह से समझिए। तो इसका मतलब विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण पत्र, मुद्रा का अवमूल्यन होगा, तो आय जो हम सामान ज्यादा बेचना होता है मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं, और मंगाना का जो आयात होता है वो कम हो जाता है। तो 39 का जो उत्तर होगा हमारा यही बी होगा, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा का मूल्य में कमी हो जाना, यही बी आपका उत्तर होगा, यही बी आपका उत्तर होगा बी वाला। 40, 40 में क्या है, भारतीय रुपए की पूर्ण
परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा किया गया है? तो साथियों तारापोर समिति, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका, तारापोर समिति के जो है, तारापोर समिति के द्वारा किया गया है। 40 का आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 41 में। तो 41 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किस एक को समावेशी विकास के अंतर्गत, समावेशी विकास का मतलब साथियों एक तरह का जो सबका साथ सबका विकास वाला मामला है, यह समावेशी विकास का एक समझ लो जो एक उसका नारा है। तो समावेशी विकास की प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है उसको बताना है। तो आर्थिक विकास की ऊंची दर, यह साथियों आर्थिक विकास के बहुत ऊंचा हो इसका मतलब ये समावेशी विकास के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये बात सही है। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण, साथियों गलत, विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, विकेंद्रीकरण। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाएगा समावेशी विकास कैसे होगा? कोई खा के मरेगा, कोई खाने के लिए मरेगा, सब कोई संसाधन का केंद्रीकरण कर लेगा तो संसाधन अन्य लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो इसका मतलब यही गलत है, समावेशी विकास में यही बाधा पहुंचाएगा। और बाकी सब सही है समावेशी विकास के लिए। आगे चले हम लोग देखते हैं 42, विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम लोग साथियों एक टोकरी बोलते हैं, तो SDR टोकरी। तो विशेष आहरण अधिकार SDR जिसे बोला जाता है का संबंध किससे है? तो साथियों आप लोग जानते हैं IMF से है, IMF इसको कंट्रोल करता है। ये विशेष आहरण अधिकार साथियों एक इसमें जो है 5 देशों की इसमें मुद्राएं शामिल हैं। ये जो अमेरिका की साथियों डॉलर है, अमेरिका की है, चीन की है, और साथियों यह यूरोप में यूरो है, इसमें एक यूरो डॉलर है, और जापान का है, एक और इसमें है साथियों ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड का स्टर्लिंग होता है, और जापान का तो येन होता है, और इसका तो यूरो होता है, और ये चाइना का तो रेनमिनबी होता है। तो ये मैंने बता दिया, तो यही उसका एक तरह का है। IMF इसको कंट्रोल करता है, स्थापना किया था। 43 में, कौन सा विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो विश्व बैंक समूह का हिस्सा कौन सा ये संस्थाओं में नहीं है? आप लोग पढ़े होंगे अगर विश्व बैंक के बारे में, तो आप लोग बड़े ही आसानी से इसको बता सकते हैं। तो विश्व बैंक का हिस्सा कौन नहीं साथियों? तो ये भी है IBRD है, IDA है, ये NDB नहीं है। तो साथियों ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देशों का मतलब साथियों ये जो है ये ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो यहाँ किससे संबंधित है ये वाला, इससे संबंधित नहीं है। 44 में देखते हैं ले हम लोग, 44 में क्या कह रहे हैं, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? पढ़कर हमें सही उत्तर दीजिए। तो पहला पढ़ेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। चाइना, भारत और चाइना द्वारा एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। तो साथियों ये सवाल जो है आपका गलत है, 25 दिसंबर 2015 को किया गया था। तो 2015 को किया गया था साथियों। तो ये मतलब भारत इसके संस्थापक सदस्य में तो है, और इसका जो है मुख्यालय चाइना में है। तो ये बात सही है। तो ये आली आपका 14 जगह 15 होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला। दूसरा वाला जब पढ़ेंगे तो इसमें चाइना की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, वोटिंग शेयर के रूप में 26% है, और भारत का लगभग इसमें साथियों 7-7.5% है, 7.6%। तो ये दूसरा सही है। तो आपका उत्तर जो 44 का होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 45 देखते हैं, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स देश, ब्रिक्स देश वही मैंने अभी जो बताया था साथियों, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों के में जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो साथियों बनाया गया है वह ये तो
इसमें से वो होना चाहिए, ये बीजिंग तो नहीं होगा, ये चीन में ही है साथियों, ये है शंघाई, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ये शंघाई में है, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, यही है यहाँ पर।